आगे आ रही हो? और क्या पढ़ोगे? अनार का, आम का। और फिर कापी तो है नहीं? घर से ले जाएंगे। घर से? तो आप कहाँ, घर कहाँ है? हमारा बोधर फूल कली भाई है ना, उड़ रही है। हाँ, तो फिर इधर से कहाँ से आ रही हो? अरे मैं बहन को लेके आ रही हूँ। आ जाओ इधर, आ जाओ। ऐसे रोड में अकेले नहीं घूमना, कोई ले जा लेगा। हाँ, रोड में नहीं घूमना, ठीक है? नाम बताओ अपना अपना। आप तो ले जा रहे होगे क्या ना? नाम बताओ, नाम नाम बताओ। बता नाम बता दो। हम्म, जोर से बोलो। अबनी और गोलू। तू मत नहीं बोला। हाँ बोलो। मेरा नाम धनसी यादव है। और ये लो। हाँ, और आप लोग कुछ ले लेना। हाँ, कुरकुरे लेना और तीनों जन खाना। ठीक है, बाय करो। बाय। हाँ, गुड। माता रानी का मंदिर है वैष्णो देवी, ये सीलादई के पास पे पड़ता है। और हम आज माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं और आप लोगों को भी यहाँ के दर्शन करवाएंगे। फिर से ये देखिए, ये वैष्णो देवी मंदिर है और ये इसका मॉडल है और इसी के जैसे भविष्य में ये मंदिर बनेगा। आपको पूरा हे ब्रह्माड़ी माता, नराड़ी माता, रुद्राड़ी माता, जय मेरी वैष्णवी माता, संकट में सहाय रहने वाली, जय मेरी पर्वत वासिनी वाली माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, सुख समृद्धि देने वाली, जय मेरी संग वाहिनी वाली माता, हे करुणानिधि दयामयी माता, जय जय मात भवानी, जय आदि शक्ति स्वरूपणी वाली माता, ज्योत स्वरूपणी वाली माता, जय वैष्णवी माता की जय, जय मात भवानी, जय सिद्धेश्वरी, हे करुणानिधि दयामयी माता, जय मेरी पर्वतवासिनी वाली माता, जय आदि शक्ति स्वरूपणी वाली माता, ज्योत स्वरूपणी वाली माता, जय जगत माता जगदीश्वरी, करुणानिधि दयामयी माता, जय जय मात भवानी, जय शंग वाहिनी वाली माता। ही कहाँ करती हो मार दियो महकासुर को, हरि केर को तुम ही पलती मद केटव दे संगारन की, नर देवन की तुम ईश्वति हो, दुष्ट तो मारी अनंत की हो, नहीं दासन के दुख को हरती हो, मोह पुकारा देरी भई जगदम्बा विलंब में कहाँ करती हो। जय वैष्णवी माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, जय मेरी को बता दीजिए। बेटा ये 2009 में भई है, यहाँ सर्वप्रथम अपने सिवनी 1270 में एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका नाम गोविंद नेमा जी था, पत्नी का नाम विद्या नेमा था। माता जी उनको बार बार सपने में दिख रही थी, बार बार सपने में दिख रही थी। फिर वो 10-20 आदमी को लेकर के फिर भी धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास में गए। शंकराचार्य जी को बताए कि हम भोजन करके सोते हैं और हमारी जैसी आँख लगती है तो हमको माता जी दिखती हैं, माता जी दिखती हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ में। जगत गुरु शंकराचार्य जी थोड़ी देर मौन रहे, मौन होने के बाद में उन्होंने बोले कि देखिए नेमा जी, क्या होता कि कई बार अपन कोई दृश्य देख लेते हैं, अपने दिल दिमाग में बैठ जाता है, तो कई बार ऐसा अपने को भ्रम हो जाता है, मगर जब बार बार सपना आ रही है, बार बार सपना आ रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। सर्वप्रथम फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज हैं उनको फिर सर्वप्रथम यहाँ पहुँचाया। उन्होंने जब यहाँ पे आए तो सर्वप्रथम यहाँ एक गणेश जी मिले, उस साइड में एक पत्थर की चट्टान है, चट्टान में एक पेड़ है, उस पेड़ में ऐसा जड़ निकली है जैसे गणेश जी का सूर हो। तो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने एक नज़र में उनको पहचान लिया कि जिस स्वयं भू गणेश हैं। उन्होंने अपने द्वारा वहाँ ध्वजारोहण करके नरियल भेंट करके उनका नामकरण किए पिपलेश्वर संकटा गणेश। अच्छा, पिपलेश्वर संकटा गणेश सर्वप्रथम। और आकर के पहाड़ी के ऊपर बैठे और विचार विमर्श करने लगे
गांव के यहाँ के ग्रामवासी 25-30 आदमी थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ ऐसी कोई गुफा टाइप की कोई जगह हो तो बताओ। तो ये जंगल था, यहाँ पेड़ पौधा कांटा कटीली झाड़ियाँ थी, यहाँ पे लोग डरते थे, पत्थरों की चट्टान थी, यहाँ जंगली जानवर रहा करते थे, सर्प निकलते हैं, यहाँ डरते थे। उनको फिर बताए स्वामी जी को कि यहाँ पर एक गुफा है, जंगली जानवर रहते हैं। फिर दंडी स्वामी जी को लेकर को आए, उनके द्वारा फिर उन्होंने गुफा को देखे, गुफा का देखे, फिर वो तपस्वी थे, जैसे गुफा में प्रवेश किए उनके रोमकूप खड़े हो गए। उन्होंने बोले कि माता जी इसी जगह में, फिर इसकी साफ सफाई का काम चालू हुआ, साफ सफाई का काम चालू जब हुआ, हाँ तो जब ये चालू हुआ, फिर धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य जी 2009 में 13 अक्टूबर के शिलादेव उनका आगमन था, उनको फिर बताया ये तीन पिंडी स्वरूप में ये पत्थर मिले, फिर उन्हें उनके द्वारा फिर इनके नामकरण हुए। पहली पिंडी का नाम सरस्वती जी, दूसरी पिंडी का नाम लक्ष्मी जी, तीसरी का नाम महाकाली, इनका नाम वैष्णो देवी रखा गया। तो ये 2009 कार्तिक पूर्णमासी से इन माता जी का उद्गम हुआ है वैष्णो देवी के। बाजू में जो एक गुफा वहाँ भी 8 पिंडियाँ हैं, उनका भी माता जी का 18 दिन के बाद में फिर उनका उद्गम हुआ, फिर महाराज श्री को बताया गया, फिर उनके द्वारा फिर उनके नामकरण हुए। बाजू में आप लोगों को हम वैष्णो देवी के दर्शन करा चुके हैं, जो सिवनी शहर से 7 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके भोलेनाथ के, और फिर हम, और ये देखिए पूरे दर्शन करने के बाद मैं विष्णु भगवान के पास के दर्शन करने आई, तो उनकी छाया मेरे मुझ पे पड़ी और मुझे उनका आशीर्वाद मिला। और अब मैं आपको सिवनी शहर इस जगह से दिखाऊंगी। ये देखिए ये लेटे हुए हैं विष्णु भगवान, और अब आपको दिखाते हैं सिवनी शहर, जो यहाँ से ऐसा दिखाई देता है, और उसके पास से पूरी हरियाली, जो पूरी खेती है, और पहाड़, तालाब, सारी चीज़ें बहुत सुंदर। और ये माता रानी का पहाड़ है, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी विराजमान हैं।